बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने मंगलवार को किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में तोप चौराहे से अनाज मंडी तक अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर करीब 2 किलोमीटर काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। इस दौरान क्षेत्र के कई युवाओं ने भी दौड़ में भाग लिया। इससे पूर्व विधायक बलजीत यादव ने तोप चौराहे पर जीप के ऊपर खड़े होकर युवाओं को संबोधित किया। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 90 से 100% आरक्षण, गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण, 5 लाख पदों पर शीघ्र भर्ती निकालकर 6 महीने में नियुक्तियां, संविदा कर्मी CHN NM भर्ती 2013, विद्यार्थी मित्र कंप्यूटर अनुदेशक की मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए, किसानों की संपूर्ण फसल को सरकार उचित मूल्य पर खरीदे। उन्होंने कहा कि किसानों और गरीब लोगों को मुफ्त में पूरी बिजली उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर मुख्य रास्तों से होते हुए दौड़ लगाई।